नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत, आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल पे टेक्नोलॉजी पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, खुश हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो लाया हूँ, ये बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग के एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी के ऊपर है। और जो मेन फोकस रहेगा इस वीडियो का, कि उस स्ट्रेटजी के एप्लीकेशन, कि आप कैसा कौन सा टेक्निक या ट्रिक अप्लाई करके एक रेगुलर बेसिस में इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट इनकम कर सकते हैं दोस्तों, उस पर ये पूरा वीडियो है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए हर एक वीडियो के राइट बॉटम कॉर्नर पे एक सब्सक्राइब के ऑप्शन है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, जस्ट क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपडेट वीडियोज़। मैं इसी तरीके का वीडियोज़ और टेक्निक आपके सामने लाता रहूँगा। और ऑलरेडी मैंने इंट्राडे पे, ऑप्शन ट्रेडिंग पे आप कैसे स्टॉक को पिक करेंगे, ये सारे टॉपिक पे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, सारे फ्री है दोस्तों, कोई भी पेड वीडियो नहीं है, ठीक है। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो स्ट्रेटजी के बारे में आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो है शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल। पहले तो मैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स आपको बता देता हूँ, कि अगर जो बिल्कुल नए हैं तो उसको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी है क्या, ये कैसे प्रॉफिट देता है, कैसे लॉस देता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद मैं इसके एप्लीकेशन पर आता हूँ। तो शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी है क्या? तो जब भी आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट को सेल करते हैं सेम एक्सपायरी डेट पे, तो वो स्ट्रेटजी शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर निफ्टी 9000 पे चल रहा है, तो 9000 के ही कॉल और पुट अगर आप सेल करते हैं सेम एक्सपायरी के लिए, तो वो हो गया शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी। आप इसको कब यूज़ करेंगे दोस्तों? जब आपके रिसर्च या आप जैसे एनालिसिस किए उसके बेसिस में आपको ये पता चल रहा है कि निफ्टी, मतलब अगर निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेड, कि निफ्टी एक रेंज बाउंड से एक्सपायर करेगा, एक लो वोलेटिलिटी के साथ एक्सपायर करेगा, तो आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड क्या रहेगा? रिवॉर्ड दोस्तों उतना ही रहेगा जितना आपके प्रीमियम के वैल्यू होंगे। तो एट द मनी प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर कॉल के 100 हुए हैं, पुट के 100 हुए, तो 100+100 मतलब 200 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा, और उतना ही मैक्सिमम आपको प्रॉफिट है। रिस्क क्या है? रिस्क दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलिंग के जो रिस्क होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि मार्केट अगर कोई भी एक तरफ डाउनसाइड या अपसाइड या कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाने लगे, तो आपको अनलिमिटेड रिस्क होने वाला है। अगर आप उस लॉस को, मतलब आप कुछ ऐसा टेक्निक या ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे कि आपका लॉस कंट्रोल ना हो, तो उस टेक्निक, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं ऑलरेडी स्टॉप लॉस टेक्निक में आप एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरे प्रीवियस जो शॉर्ट ट्रायंगल के वीडियो थे उस पर, तो आप देख सकते हैं उसको, काफ़ी अच्छा है वो टेक्निक यूज़ करके आप अपने जो अनलिमिटेड जो रिस्क है ये ऑप्शन सेलिंग के, उसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और मार्केट से मतलब मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट लेके या जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट जोन से आप निकल सकते हैं, ठीक है। ये चार्ट दोस्तों मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस के वीडियोस में। ये जो मिडिल के कॉलम है 9500, 9550, 9600, 9700, ये स्ट्राइक प्राइस है, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड के जितने भी कॉलम्स है कॉल के हैं, और राइट साइड के जितने भी कॉलम्स है वो पुट के हैं। और मैंने देखिए, जो सपोज करेंटली चल रहा है 9900 निफ्टी, तो उसके कॉल एंड पुट का आपको सेल करना है, तो एक ही पे मैं ये हाईलाइट किया हूँ, मतलब रेड कलर का बॉर्डर बना के करेंट स्ट्राइक प्राइस और उसी के कॉल एंड पुट का आपको सेल करना है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों स्ट्रैटेजी के चार्ट। तो स्ट्रैटेजी क्या हो गया? सिंपल से स्ट्रैटेजी है, सेल एटीएम कॉल प्लस सेल एटीएम पुट। निफ्टी सपोज करंट स्ट्राइक प्राइस 9900 है, तो कॉल को सेल कितना में करना है आपको? स्ट्राइक प्राइस चूज करना है 9900 के, सपोज उसके प्रीमियम है 99। और पुट के स्ट्राइक प्राइस क्या चूज़ करना है दोस्तों? 9900 और प्रीमियम है 93, ठीक है। तो टोटल प्रीमियम क्या हो गया? 99+93, 192। तो अपर ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनते हैं? 9900+192 मतलब 10092। और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनते हैं? 9900-192 मतलब 9708।
तो ये जो ब्रेक इवन के रेंज है, ये रेंज के अंदर अगर आपके इंडेक्स या स्टॉक जो जिस पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं अगर एक्सपायर करता है, तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो ये कर्व है दोस्तों, इस कर्व के थ्रू मैं आप मतलब उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ जाएंगे ये स्ट्रेटेजी को, और कहाँ से ये प्रॉफिट शुरू कर रहा है, कहाँ से ये लॉस शुरू कर रहा है। मैं ऑलरेडी हाईलाइट किया हूँ, देखिए करेंट स्ट्राइक प्राइस जो है, ब्रेक इवन जो रेंज है, प्रॉफिट जोन क्या है, लॉस जोन क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर निफ्टी करेंट स्ट्राइक प्राइस से राइट साइड मूव करता है और राइट साइड मूव करके ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर जाता है और आगे मूव करता है, तो क्या होगा, आपके लॉस शुरू हो जाएंगे। कब से आपको पता चल रहा है? सेम हुए अगर करंट स्ट्राइक प्राइस से लेफ्ट साइड निफ्टी मूव करता है और ब्रेक इवन को क्रॉस करके और ज़्यादा मूव करता है, तो आपके लॉस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बट घबराइए मत, इस लॉस को कैसे कंट्रोल करना है वो स्टॉप लॉस टेक्निक मैं एक्सप्लेन किया हूँ, मेरे जो शॉर्ट ट्रायंगल वीडियो है आप देख लीजिए उसमें। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है दोस्तों, वो आपको करंट स्ट्राइक प्राइस में ही मिलेंगे। अगर निफ्टी या इंडेक्स या जो भी स्टॉक आप ट्रेड करें अगर वही स्ट्राइक प्राइस पे एक्सपायर करता है जिसमें आप सेल किए हैं कॉल कॉन पुट को, तो वो उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब 192 जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस कर्व से आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज क्या है, कितना रेंज तक आपको प्रॉफिट होगा, कहाँ से आपको प्रॉफिट शुरू होगा, कहाँ से आपका लॉस शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब एप्लीकेशन पे आते हैं कि इसके एप्लीकेशन कैसे करके आप रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट इनकम करेंगे। तो उससे पहले आपको निफ्टी के चार्ट खोलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एक्सपायरी जितना करीब आता है, क्योंकि सेलिंग के हर एक स्ट्रेटेजी ज़्यादा इफेक्टिव है जब एक्सपायरी करीब आता है, क्योंकि एक्सपायरी जब करीब आता है प्रीमियम डिके होता है और प्रीमियम डिके होने से आपका प्रॉफिट भी होता है। तो मान लीजिए मैं कोई भी डे का दिखाता हूँ, जैसे 8 तारीख का देख लीजिए। 8 तारीख को पहले आपको क्या करना होगा, पहले 5 मिनट के अंदर आपको देखना पड़ेगा निफ्टी क्या रेंज पे चल रहा है, मतलब निफ्टी के कौन क्या स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना है। जैसे निफ्टी देखिए चल रहा है कितना, 9956, तो आप इससे समझ जाएंगे कि मुझे 9950 के करंट स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है। तो आप 9950 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल एंड पुट को वॉचलिस्ट में डाल दीजिए। अब कॉल को ओपन कीजिए, कॉल के चार्ट को। ठीक है, तो आप 8 तारीख को जाइए, और दोस्तों सेल कब करना है, देखिए दोस्तों शॉर्ट स्ट्रेडल का मतलब ये नहीं है कि आपको सेम टाइम में सेल करना होगा। शॉर्ट स्ट्रेडल का मतलब है आपको सेम स्ट्राइक प्राइस पे सेल करना होगा और सेम एक्सपायरी डेट पे सेल करना होगा, लेकिन कब कौन सा टाइम में सेल करना है ये आपको डिसाइड करना है। और सबसे बेस्ट वे है आपको एक इंडिकेटर यूज कर लीजिए जो आपको इंडिकेट करेगा कि आप अभी सेल कीजिए, वो बेस्ट वे होगा। या आप अगर कैंडलस्टिक चार्ट को स्टडी करके सेल कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए कॉल के प्रीमियम देखिए दोस्तों 8 तारीख को कंटिन्यूअस डाउन हो रहा है, थोड़ा वॉच कीजिए, जब भी कंटिन्यूअस डाउन हो रहा है आप यहाँ सेल लगा दीजिए, या अगर आप कोई इंडिकेटर यूज़ कीजिए, अगर इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये अब डाउन ट्रेंड में है, डाउन जा रहा है, तो आप सेल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब जैसे सेल कर दें इसमें, तो आप देखिए और इसको एग्जिट कब लेना है, आपको बाय कब करना है। अगर आपको वही डे आप दोनों सेल किए हैं, सपोज अभी आप इसको सेल किए हैं अब कुछ देर बाद, या तभी आप पुट को भी सेल किए, अगर आपको उसी डे पे अगर प्रॉफिट मिलता है, अगर आप दिखते हैं कि आप प्रॉफिट में हो, तो आप निकल जा सकते हैं मार्केट से एग्जिट करके, या नेक्स्ट डे के जब मार्केट ओपन होता है उसके 5 मिनट के अंदर आपको निकल जाना है। ठीक है, जितना जल्दी आप निकल पाएंगे नेक्स्ट डे जब भी ओपन होगा, जितना जल्दी आप निकल पाएंगे, वो ये स्ट्रेटेजी है बेसिकली। तो आप नेक्स्ट डे तक देखिए, जैसे आप यहाँ सपोज 114 में इसको शॉर्ट किए निफ्टी सितंबर के 9950 कॉल को, और नेक्स्ट डे जब बनता है ये देखिए
आप सपोज इसको 126 में एग्जिट किए, मतलब 114 में आप सेल किए, 126 में आप एग्जिट किए, आपके कितना लॉस हुआ कॉल से? 14 पॉइंट का, आपको 14 पॉइंट का कॉल से लॉस हुआ। ठीक है, अब देखिए आपको पुट से क्या होता है। पुट को ओपन कीजिए, ठीक है, तो पुट से देखिए दोस्तों, आपको जब भी कोई इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि ये अब डाउन ट्रेंड जाने वाला है, या आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, तभी सेल कीजिए। या कैंडल स्टिक को, चार्ट को अगर पहचान सकते हैं, अगर कैंडल स्टिक चार्ट को यूज करके आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, तो भी जैसे ये देखिए दोस्तों, मार्केट पहले से ये प्रीमियम ऊपर जा रहा था, अब यहाँ वो हाई बना के अब नीचे आ रहा है, ये देखिए दोस्तों कंटिन्यूअस नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ सेल कर सकते थे, यहाँ आप थोड़ी देर बाद और यूज करके, ठीक है, मान लीजिए आप ज़्यादा वेट नहीं किया, अब यहाँ से देख रहे हैं हाई बना के अब नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ सेल कर दीजिए सिंपली 106 में। ठीक है, आप सेल कर दिए, अब एट द एंड अब देखिए क्या है, नेक्स्ट डे 76, मतलब 30 पॉइंट का प्रॉफिट। आप कॉल से कितना पॉइंट का लॉस किए हैं? लगभग कितना, 13 पॉइंट का, 13 पॉइंट का लॉस आप कॉल से किए, और पुट से आप प्रॉफिट किए 30 पॉइंट का, मतलब आपका अल्टीमेट प्रॉफिट हो गया 17 पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा आपको एक दिन का अंतर अंतर प्रॉफिट होते रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इफेक्टिव है, और एक्सपायरी के जितने करीब आता है उतना ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जितना एक्सपायरी के करीब आता है प्रीमियम के डाउन होने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहता है। तो नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन होता है, अगर गैप अप या गैप डाउन से ओपन होता है, तो जितना ज़्यादा कोई, जैसे अगर गैप अप से ओपन हुआ तो क्या होगा, कॉल के प्रीमियम भी गैप अप होंगे और पुट के प्रीमियम गैप डाउन होंगे, जैसे ये हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉल का प्रीमियम जितना गैप अप होंगे उससे कहीं ज़्यादा पुट के प्रीमियम डाउन होते हैं, इसीलिए आप प्रॉफिट में रहते हैं इस स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, तो ऐसे ही देख लीजिए दोस्तों, आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके, मतलब आज बाइक सेल करके, एक इंडिकेटर का यूज़ करके, या कैंडलस्टिक चार्ट का एनालिसिस करके आप सेल करके, टुमारो मॉर्निंग जब भी मार्केट ओपन होता है, जितना जल्दी हो सके 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर आप एग्जिट कर जाइए दोनों को, आप अल्टीमेटली 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट के प्रॉफिट से ही मार्केट से निकलेंगे। ठीक है, आप इस स्ट्रेटेजी को और देख लीजिए कुछ डे पे। ठीक है, अगर मैं दिखाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप खुद देख लीजिए और बाकी के डेज में भी कि ये कितना इफेक्टिव है। आप पेपर ट्रेडिंग पहले कर लीजिए, कि आप अगर आज सेल करते हैं और कल उसको बाई करते हैं, तो आपको अल्टीमेटली दोनों को मिला के कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और दोस्तों एक्सपायरी के जितने करीब आता है ये स्ट्रैटेजी उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसको भी एक पेपर ट्रेडिंग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, मेरे वीडियोस को वॉच करते रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। दोस्तों मैं इसी तरीके का वीडियो लाता रहूँगा आपके सामने, तो शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।